के प्रति समझना अतीव आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता में जो मुख्य उद्देश्य है इसका, हमें अपने आप से हमारी पहचान करवाना है, आइडेंटिटी बाय द सेल्फ, अपनी आइडेंटिटी हम क्या हैं। इसीलिए पूरी गीता में जब भगवान ने अर्जुन को यह उपदेश दिया, यहां ज्ञान नहीं, भगवान ने स्वयं कहा है, उसको पहले देख लेते हैं। 18वें अध्याय में अध्याय 72वां श्लोक। आज का पाठ समझने के लिए इस पाठ को अगर समझ लिया जाएगा तो बाकी जितना पाठ है बहुत सुगमता से साधक को यह समझ आ जाएगा क्या एकाग्रता बनानी है। 72वां श्लोक 18वां अध्याय। महाराज ने पूछा, हे पार्थ, तूने क्या एकाग्र चित से मेरा यह उपदेश सुना है? एक एक शब्द का बहुत महत्व है, यहां ज्ञान नहीं, उपदेश। ज्ञान तो हमें अपनी आत्मा का करवाया है, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान करवाया है, भगवान ने उपदेश दिया है, ज्ञान नहीं दिया, उपदेश दिया है। महाराज ने पूछा, हे पार्थ, तूने क्या एकाग्र चित से, हमसे पूछ रहे हैं, जब हम गीता को ध्यान पूर्वक पढ़ें तो स्पष्ट अनुभूति होती है कि गीता हमें ही कुछ कह रही है, सिर्फ हमारे लिए ही प्रकट हुई है, हमारा सारा ध्यान आकर्षित करके हमें पूरे का पूरा वह ग्रहण कर रही है। हम जैसे भी हैं, जिन भी दोषों सहित हैं, गीता हमें अपना रही है और हमारे सम्मुख वह निर्मल दर्पण उत्पन्न करके हमारा ही स्वरूप हमें दिखा रही है। हम अपने प्रतिबिंब को हूबहू अपने सम्मुख देखेंगे, जिस प्रकार सवित्री पाठ में अपनी ही आत्मा अपने से दो चार हाथ बाहर मानव अपना ही स्वरूप जब अपने आप को दो देख लेता है, अपने आप को बाहर देखता है, पूछता है, तू कौन है? मैं तेरी आत्मा हूं। अब गुरु महाराज जो आज तक कहते आए सभी ऋषि मुनि संत महात्मा कि आत्मा के अनुभव किए जा सकते हैं, इसको देखा नहीं जाता, गुरु कृपा से यह ज्ञान हो जाने पर मानव साधक अपनी आत्मा के भी दर्शन कर लेता है। वह सूक्ष्म सत्ता एक सरसों के दाने का 1,00,000 भाग कर दिए जावे सरसों के दाने के, जितना वह अंश बचेगा आत्मा उससे भी महीन, परंतु इसका आकार एक पर्वत से भी बड़ा, यही ज्ञान जब साधक को हो जाता है आत्मा की अमरता का, कि इसमें ये जो चाहे ये कर सकता है और ये अनादि काल से है। आत्मा ने
इस वस्त्र को धारण करके लोक को दिखाया है। वस्त्र के नष्ट होने पर यह आत्म सत्ता नष्ट नहीं होने वाली। भगवान मां स्वरूप है। जब साधक को आज तक तो यही कहा ना, लोभ नहीं करना, परंतु विनोबा भावे जी ने लिखा है, विनोबा भावे, कि मुझे लोभ हो गया था अध्ययन का, श्रीमद् भगवत गीता को और जानने का, इसीलिए मैंने मनुस्मृति, पतंजलि योग और याज्ञवल्क्य जी के वह सभी ग्रंथ, योग विशिष्ट, मैंने इनका अध्ययन किया। अब मुझे लोभ हो गया था कि मैं और जानूं। इससे मुझे अपना ज्ञान हो गया। भगवान ने कहा, महाराज ने पूछा, हे पार्थ, तूने क्या एकाग्र चित से मेरा ये उपदेश सुना है? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान रूप, अब हम सबको ज्ञान नहीं है, किसका? अपने स्वरूप का। क्यों? गाढ़ मोह इन विषयों में, सगे संबंधियों में, धन दौलत में। जब तक इसका मोह रहेगा, तब तक अपनी आत्मा को नहीं जान पाओगे। हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान रूप गाढ़ मोह सर्वथा नष्ट हो गया है? अब अर्जुन का उत्तर सुनना। यह नहीं कहेगा कि मुझे ज्ञान हो गया है, यह नहीं कहेगा, क्योंकि महाराज ने तो उपदेश दिया है, उसके स्वरूप से उसको प्रकाशित किया है। ज्ञान तो आत्मा का है, शरीर से संबंधित नहीं है। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे अविनाशन, तेरी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति मैंने प्राप्त कर ली है। अब यह नहीं कहा मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, स्मृति जिसको मैं भूला हुआ था, विषय वासनाओं के कारण, मोह के कारण, द्वेष के कारण, अपने वास्तविक स्वरूप को जो मैं भूला हुआ था, वह स्मृति मैंने प्राप्त कर ली है, मेरी बुद्धि ठीक हो गई है। अब कर्तव्य कर्म से क्यों भाग रहा था? बुद्धि डावाडोल हो रही थी, मैं इनको कैसे मारूंगा, मेरी बुद्धि ठीक हो गई है, मैं संदेह रहित हो गया हूं, अब मुझे कोई संदेह नहीं। क्या? आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया था और स्वस्थ होकर खड़ा हूं, मैं तेरे वचन का पालन करूंगा। जब ये कहा, मैं तेरे वचन का पालन करूंगा, भगवान को समझ आ गया, भगवान को पूरा विश्वास हो गया कि जो मैं इसको समझा रहा था, अब ये समझ गया। इसके पश्चात भगवान एक भी शब्द नहीं बोले। अब संजय बोलेगा, भगवान नहीं बोले, एक भी शब्द आगे नहीं बोले। तूने क्या एकाग्र चित से मेरा यह उपदेश सुना है? यह एकाग्र चित कैसे होगी? इससे पहले 360 श्लोक पर 65वां श्लोक है, हम सबको बता रहे हैं, महाराज कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, 65वां श्लोक 18वां अध्याय। मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजक हो जा और मुझको ही नमस्कार कर, इस प्रकार तू मुझे ही पाएगा। अब वह सारी विधियां बता रहे हैं। पहले हमें कहा मुझ में मन लगा, अपने मन को डामाडोल हमें नहीं करना है, एक मन अधिकार में आ जावे, ये कठिन है, अतीव कठिन है, परंतु ये इतना हठी है मन,
इसको हट से ही साधक अपने वश में ला सकता है। हट क्या, ये तो हट ही है, विषयों की ओर भागेगा। तू हट कर ले कि मैंने अनुचित क्षेत्र में नहीं विचरना, अनुचित स्वरूप को नहीं देखना, अनुचित शब्द को नहीं सुनना। हट कर ले तू भी। हट का उत्तर हट से दिया जा सकता है। मन को ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, मन को हट से। क्या हट? जो बुरा दृश्य है मुझे उस तरफ देखना ही नहीं। हट कर ले, मैंने नहीं देखना। हट कर ले, मैंने किसी की निंदा चुगली ना करनी है ना सुननी है। कर सकता है मानव ये हट तो कर सकता है। महाराज ने कहा, और पदार्थों के लिए हट करते हो, मुझे और धन चाहिए, तो दिन रात बीमार भी हो जाओ तो भागे चले जाते हो अपने काम पर, क्योंकि हटी हो कि मुझे धन को उपार्जन करना है, उस तरफ तुम्हारे खिंचाव है। अगर हट कर लोगे कि मैंने अपने मन के पीछे नहीं भागना, मेरे गुरुदेव ने क्या कहा है, मुझ में मन लगा, अपने मन को मुझे नाम के साथ जोड़ना है, इस ज्ञान के साथ जोड़ना है, हट कर लो। मन भागता है, अगर स्वयं हट कर लिया, अब मेरा समय है जाप का, मेरा समय है सत्संग का, अब मेरा समय है वह परमेश्वर के साथ एकाकार का, ये हट किया होवे तो ये मन जहां लगाओगे ये लग जाएगा। भगवान ने कहा मुझ में मन लगा, मन हटी है तू भी हट कर ले। तेरे सम्मुख में ये सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं, तू मुझे प्रिय है, मुझ में मन लगा। सब सांप्रदायिक धर्मों का त्याग कर एक मेरी ही शरण में तू आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता ना कर। अब जिसके साथ प्रीति होती है, जिसके साथ मन लगा होता है, मानव उसकी सारी बातें मानते हैं और सत समझते हैं। जिससे भी प्रीति हो, जो भी वह कह देवे, वह पूर्णतः स्वीकार कर लेता है। यह स्वभाव है मानव का। अब भगवान जो हमें वास्तविक ज्ञान दे रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, भगवान से प्रीति करके, भगवान को अपने आप को समर्पण करके जो कह रहे हैं, वह पल्ले बांध लो, उस पर दृढ़ता से निश्चय कर लो। दूसरा अध्याय 23वां श्लोक, इस अमर अविनाशी परम सूक्ष्म आत्मा को तलवार आदि तीखे शस्त्र नहीं काटते। इसको आग नहीं जलाती, पानी इसको नहीं भिगोते और ना ही इसको वायु सुखाती है। यह केवल देह से संबंधित है, सुखाना, काटना, जलाना। देह जलेगी, देह कटेगी, तेरी आत्मा नहीं कटेगी। तेरे को इस जगत को दिखाने में आत्मा ही प्रमुख है। अगर आत्मा ही देह में ना होता तो तू क्या करता? लोथड़ा है, कुछ भी नहीं कर पाता। यह कटेगा, शरीर कटेगा, जलेगा, परंतु तू आत्मा है। इस अमर अविनाशी परम सूक्ष्म आत्मा को तलवार आदि तीखे शस्त्र नहीं काटते, इसको आग नहीं जलाती, पानी इसको नहीं भिगोते और ना ही इसको वायु सुखाती है। यह परम सूक्ष्म आत्मा छेद जलाया नहीं जा सकता, यह नहीं भिगोया जा सकता, निश्चय से सूख भी नहीं सकता, क्योंकि यह पंचभूतों का कार्य नहीं है। पांच भूत कार्य, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, इससे मानव देह प्राप्त हुआ है, आत्मा इससे नहीं बना हुआ। यह
पंचभूतों का कार्य नहीं है, सर्वगत है, सर्वगत विश्वव्यापी। अपने मुक्त भाव से सर्वत्र प्राप्त है, इस ये सदैव ही मुक्त है। स्वरूप से स्थिर है, जो इसका स्वरूप है यह स्थिर है, इसका घटना बढ़ना नहीं होता। आत्मा का जो मैं वास्तव में मैं हूं, मेरे को तो यह वस्त्र मिला है जो रंग रूप और नाम दिया गया परिवार में, यह चोला मेरा वस्त्र है। जब मेरे रहने के योग्य यह वस्त्र हो जाएगा, मैं इससे बाहर हो जाऊंगा, मेरा नाश नहीं होगा, वस्त्र का नाश होगा। वस्त्र छोटा होने पर, घिस जाने पर, फट जाने पर मानव उसको बदल लेता है, मैं अपने इस वस्त्र को बदल लूंगा। जिस दिन आत्मा का ज्ञान हो गया, उस दिन साधक के किन किन का भय डर समाप्त हो गया, किन किन ने इस आत्मा के उपदेश को समझ लिया। सर्वप्रथम वीर अभिमन्यु ने, वह जानता था चक्रव्यूह में प्रवेश करके मैं बाहर नहीं आ सकता, इस देह को नष्ट हो जाना होगा, परंतु आत्मा अपने कर्तव्य कर्म का पालन, देह का कोई भी मोह नहीं रखा। पंचम नानक श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हंसते हुए तवी पर बैठ गए। नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी, जब कश्मीर के पंडित की मुहम्मदन वह राजा धर्म परिवर्तन के लिए बाधित कर रहा है, कहा अगर हमारा गुरु अपना ले हम अपना लेंगे, स्वयं चल करके दिल्ली चले गए, अपने शीश का बलिदान कर दिया। क्यों? वह जान चुके थे ये शरीर बचाने पर नहीं बचेगा, परंतु आने वाली हिंदू धर्म की पीढ़ियों को यह ज्ञान दे गए, अन्याय के सम्मुख नहीं झुकना, शरीर को कितना भी बचा लोगे ये नहीं बचेगा। आत्मा बाल काल में ही दशमेश पिता के चारों साहबजादे धर्म के लिए अपने शरीर की चिंता ना किए हुए अपनी आत्मा को, क्योंकि ये सभी जानते हैं मेरा नाश नहीं होने वाला, वस्त्र एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मिल जाना है, प्रभु प्रेरणा से अथवा कर्म अनुसार, ये शुभ कर्म करके पुण्य कर्म करके अब मैं प्रभु की प्रेरणा से जब भी आऊंगा इस धरती पर आऊंगा। स्वयं दशमेश पिता एक नहीं अनेक उदाहरण है, जिनको आत्मा का ज्ञान हो गया उनको शरीर का मोह समाप्त हो जाता है, सगे संबंधियों का मोह त्याग हो जाता है, वह अपने सत स्वरूप को जानकर 100% निर्भयता को प्राप्त कर जाते हैं। जिसको ज्ञान नहीं होगा वह डर से भय से अपने जीवन को बचाएगा, जैसे मिट्टी से घड़ा बन गया, अब जब तक मिट्टी थी तो कैसे भी पैरों तले रौंदते रहे कोई चिंता नहीं, अब घड़ा बन गया क्योंकि उसको कोई स्वरूप मिल गया है, अब वह फूट ना जाए अब उसकी चिंता होने लगती है, उसको बचाने लगता है, कितना भी बचा लो एक दिन उसने फूट ही जाना है, उसने फिर मिट्टी में ही मिल जाना है। बस यही पंचभौतिक इस धाम इस शरीर से संबंधित है, परंतु आत्मा पंचभूतों का कार्य नहीं है, सर्वगत है, अपने मुक्ति भाव से सर्वत्र प्राप्त है, स्वरूप से स्थिर है, अचल है और सनातन है। आत्मा आदि अंत से रहत है, यह नित्य सत्य और सनातन सत्ता है, यह अभाव से नस्तित्व से नहीं बना हुआ है, नस्तित्व से अस्तित्व कदापि नहीं हो सकता, अभाव से ना होने से भाव कदापि नहीं हो सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस श्लोक को और समझेंगे
निश्चित रूप से कठिन है, निश्चित रूप से कठिन है। अगर इस जन्म में समझ आ गया तो बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। क्योंकि गीता में आगे चल करके भगवान करेंगे कहेंगे बहुत से तो ऐसे हैं इसको सुन करके भी नहीं जानेंगे। क्यों? कुछ जन्म लगते हैं, कुछ जन्म, कुछ जन्मों के पश्चात ये ज्ञान जब पूर्ण हो जाता है तब मानव उस धाम में प्रवेश कर जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। श्री